हैं, शुभकामनाएं। लेकिन एक सवाल कि हमारे तिरंगे में चक्र होती है, उसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? कुछ लोग बोलेंगे जिनको पता है 24। यानी आज़ादी में हमारी तीलियों का, हर एक तीली का योगदान होता है, लेकिन आज़ादी में भी बंदों में बंधा रहना बेचारा विद्यार्थी ऐसा बन गया है, क्योंकि ये तीलियाँ 24 है लेकिन कोरिजेंडम नंबर 9 तक आ चुका है। एक सोच सकते हैं कि इंगेजमेंट कैंडिडेट का और आरआरबी का, एनटीपीसी परीक्षा और आपका मिनिस्ट्रियल पोस्ट परीक्षा का कोरिजेंडम पे कोरिजेंडम यानी तारीख पे तारीख आ रही है। इसमें मैं किसी को दोषी या किसी को सही ठहराने की तरीका नहीं बता रहे हैं, बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट की पढ़ाई क्या होती है। मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उसमें सबको इंगेज करके रखो। सितंबर में आया कि हम जो ईसीए के कंडक्टिंग एजेंसी है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके एक प्री बीड मीटिंग रख रहे हैं, जिससे हम आगे की एग्ज़ाम की प्रोसेस अच्छा करें, जल्दी करें, फास्ट करें, सेफ्टी के साथ करें, सुरक्षा के साथ करें। लेकिन सितंबर 19 से लेकर सितंबर 20 आने में बहुत दूर नहीं है, 12 मंथ एंगेजमेंट डायरेक्ट कोरिजेंडम नंबर 9 और तारीख पे तारीख आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन कैंडिडेट है जो आज़ादी में भी बंधा हुआ पड़ा है। कैसे? क्योंकि अगर एक कोरिजेंडम इतने नहीं आते, अगर मान लिए कि इन्होंने 15 दिन का कोरिजेंडम रखा, 1 मंथ का कोरिजेंडम रखा, इसको बढ़ा के 3 मंथ 4 मंथ कर देते, तो कैंडिडेट एक अपना डिसीजन ले सकता था कि मुझे अगर कहीं पार्ट टाइम जॉब करना है तो मैं जॉब करने चला जाऊं, मेरा अदर एग्ज़ाम है मैं उसको तैयारी करने में लग जाऊं, या और भी जो भी प्रोसेस है उसमें रहने जाऊं। यानी मैनेजमेंट की डिसीजन की कैंडिडेट को हमेशा बताते रहें कि हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट को डायरेक्ट के टर्म में थोड़ा ना थोड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि वो भी आज़ादी के साथ बंधा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि हर 15 दिन बाद एक नया कोरिजेंडम, 20 दिन बाद, महीने दिन बाद एक कोरिजेंडम आ जाती है, यानी कि आगे प्रोसेस होती। हो सकता है अगर एक सफल मैनेजमेंट होते तो सफल मैनेजमेंट में ये चीज़ जो 15 दिन में हो रहा है, महीने दिन में हो रहा है, डायरेक्ट 2 मंथ 3 मंथ डायरेक्ट कर देते, ये भी एक सफल होता, एक मैसेज जाता कैंडिडेट को कि हम अगर एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं है। और कोरिजेंडम खास करके हम 7 की बात करेंगे, जिसमें क्लियर लिख दिया कि हम फाइनल स्टेज पे हैं, आपकी एग्ज़ाम तैयार करने के लिए हम प्रोसेस में हैं, सेफ्टी कोविड-19 को देखते हुए, हम जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म फॉर्म करते हुए हम एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार हैं। ये गलत मैसेज गया लोगों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। और जानते ही हैं कंपटीशन अच्छा खासा है, अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर 1 मंथ भी छोड़ देता है तो उसको बैक करने में 3 से 4 मंथ लग जाएगा ऑलरेडी। तो ये कंडीशन थी, लेकिन चलिए जो हो रहा है उसको देखते हैं क्या है। इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे, तो इंडियन रेलवे की वेबसाइट नंबर, पेज नंबर देख लीजिएगा, पेज नंबर आ गया है अभी 409, और ये फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, इसको आप फिक्स नहीं माने, ये हमेशा चेंज होते रहता है, क्योंकि नया टेंडर का डेट इंसर्ट होता है, कुछ डिलीट भी होता है, यानी जो टेंडर एग्जीक्यूट होता है तो आगे पीछे होते रहता है। तो यहाँ देखिए आरआरबी चेन्नई के नाम से यहाँ पे आपका कोरिजेंडम के रूप में आ चुका है, इंगेजिंग एडाम कंडक्टिंग एजेंसी के बारे में है, आरआरबी चेन्नई इसको कर रहा है। दूसरा एग्जाम आप जानते हैं आरआरबी अजमेर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेशन कैटेगरी का कर रहा है। अब इसको टेंडर को बढ़ा के 21-9 कर दिया गया है, जो पहले आसपास में जो 31 के आसपास थी वो डेट था, और यहाँ 15 वाला डेट भी कर सकते हैं, और फाइनली आके इसको ओपन करेंगे तो इसमें हमें कुछ अपडेट दिख जाएगा जो पिछला डेट को भी हमें इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पे कोरिजेंडम पे कोरिजेंडम, यानी ये भारत की चक्र के निशान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब थोड़ी सी अगर थोड़े से और हो जाएंगे तो ये 24 तक चक्र तक पहुंचने वाला है कोरिजेंडम, जिसमें हम 9 नंबर की लास्ट की बात करते हैं। लास्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ इन्होंने कह दिया है कि अब पहले हमारा 31-8 तक ओपन होने का डेट था, वो 21-9 का हो गया है, यानी 21 दिन और बढ़ गया है। और यहाँ पे देखें 17-8 से लोग बीड लगा सकते थे, वो 7-9 से लगाएंगे, तो ये प्रोसेस है, इसमें आगे की डेट है। लेकिन इसी में एक कोरिजेंडम 8-7 आप देखते तो लोगों को इस विश्वास जगा था, मुझे भी लगा था कि एग्ज़ाम की फाइनल स्टेटस आने वाली ही है, जस्ट 7 नंबर कोरिजेंडम में इसका डिटेल है, उसके बाद अगर बीचे वाला में देखेंगे तो हमारा एक कोरिजेंडम ऐसा आया था, उसको मैं डायरेक्ट खोल दे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, उसमें सुन के 6 और 7 नंबर में फीलिंग अच्छी हो रही थी कि
कि एग्ज़ाम की प्रोसेस अच्छी हो रही है, जिसमें कह दिया सक्सेसफुल हो गया है हमारा प्रोसेस, जिसमें हमने फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर करने के लिए एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग के फेस मास्क वगैरह रखते हुए हम एग्ज़ाम के लिए आगे तैयार होने के लिए तैयार हैं। यानी हेंस बीडिंग स्टार्ट डेट, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर, डेट ऑफ ओपनिंग टेंडर का 3/8 फाइनल रखा गया है, यहाँ उम्मीद जगी थी। और इससे पहले अगर कोरिजेंडम 6 की बात करेंगे तो कोरिजेंडम 6 बिल्कुल हमें एकदम भरोसा दिलाता था कि एग्ज़ाम हमारा जस्ट होने वाला ही है, क्योंकि सारा कंडीशन इन्होंने लिख दिया था। और ये डेट का देख लीजिएगा, कोरिजेंडम 6 का डेट जो था, इसमें आपका प्रोसेस 22/6 को था, यानी 22/6 से आज आ गया है 15/8, 2 मंथ और निकल गए यहाँ। अभी इसके बाद भी हमें 1 मंथ और 3 मंथ यहाँ से लग गया लोगों को, यानी प्रिपरेशन की जो मेन टाइमिंग होती है वो बढ़ते बढ़ते शिफ्ट होके लोगों को इंगेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यानी अगर इतनी बढ़ानी है तो एक टाइप से फिट करके थोड़े से बढ़ा दिया जाए, यानी बोल दिया जाए कि एग्ज़ाम भाई हमें 21 मार्च में करना है तो डायरेक्ट करें। अब कुछ लोगों का सवाल आएगा कि 2020 में एग्ज़ाम होगा क्या, तो अभी हमारे पास यहाँ से 2 मंथ 10 दिन बचता है जहाँ से आपका टेंडर ओपन हो रहा है। अगर चाहेगी रेलवे तो ये भी बहुत सफिशियंट टाइम है एग्ज़ाम लेने के लिए, लेकिन वही इन्होंने जो लिखा है कोरिजेंडम अगर 9 आता है, 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है और 24 आता है, तब तो मुश्किल है। तब तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि 20 में होगा, 21 में होगा या 22 में एग्ज़ाम होगा, ये कोई अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि 2020 में कुछ पेपर ज़रूर स्टार्ट होंगे, हो सकता है समाप्ति अब ना हो, लेकिन पेपर स्टार्ट होने की उम्मीद अभी भी रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।